एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं जो रेप करता है, जो 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 कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है, वो कौन से कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं। जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है। और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके, कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग, पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ कहाँ जाएंगे वो, मतलब ये कैसा समाज है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए, तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए। उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने। Members of the media, thank you so much for the questions. We are now going to request the star cast for the photo opportunity. Let's see the film now. We are all very anxious. हमारा आज शो है और आप लोग भी शायद कल फिल्म देख रहे हैं। Kangana, at the same time, there is a lady in the country who is saying that just like Priyanka Gandhi, even Nirbhaya's mother should forgive. उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे, ये भी किसी के कोख से ही निकले हैं, उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे।